हाँ बच्चों, बहुत स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री क्लास में। मैं हूँ आपका केमिस्ट्री टीचर सुनील यादव। हाँ बच्चों, आज मैं नए वीडियो के साथ आपके साथ हूँ। आज मैं आपके लिए कुछ प्रमुख नाम अभिक्रियाएं लेकर आया हूँ। बच्चों, आज मैं आपके सामने जो प्रमुख अभिक्रियाएं रखने वाला हूँ उनमें सबसे पहली है आपके पास बुड्स अभिक्रिया, दूसरी मैं रखूंगा बच्चों आपके सामने फिटिंग अभिक्रिया, और उसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा बुड्स फिटिंग अभिक्रिया। बच्चों, इन तीनों अभिक्रियाओं को एक साथ लेना मेरा मकसद जो है वो ये है, ताकि आपके एजुकेशन को, है ना, आपके मेमोराइजेशन को, आप इनको कितनी सरलता से याद रख सकें, इसको सरल बनाना है, और यही वजह है कि मैंने इनको एक साथ लिया हुआ है। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको वुड्स अभिक्रिया के बारे में जानकारी दूंगा। चलिए चलते हैं सबसे पहली अभिक्रिया को लेकर, वुड्स अभिक्रिया। बच्चों, वुड्स अभिक्रिया में सबसे पहले आप समझिए, जैसे कि मैंने आपके सामने टॉपिक लिया है, मैं आपको कुछ प्रमुख नाम अभिक्रियाओं के संदर्भ में जानकारी दे रहा हूं। नाम अभिक्रिया, है ना, नेम रिएक्शंस। बच्चों, यानी कि जो अभिक्रियाएं होती हैं वो किसी ना किसी वैज्ञानिक या किसी स्थान, ठीक है, किसी देश, कंट्री, उनकी राजधानी इत्यादि के नाम पर हो सकती है। तो जहां पर हमको एक नाम जैसा कोई वर्ड दिखता है अभिक्रिया के संदर्भ में, तो हम उनको नाम अभिक्रियाओं के रूप में जानते हैं, नेम अभिक्रियाओं के रूप में जानते हैं। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण पद होता है बच्चों एग्जाम की दृष्टि से। अगर अपने आप को बहुत कम समय में हमको बहुत जल्दी प्रिपेयर करना हो, तो हम पहले इस तरह की एक प्रिपरेशन स्टार्ट कर लें, जिनमें महत्वपूर्ण चीजों को पहले हम तैयार कर लें, और उसके बाद जो अननेसेसरी या बहुत ज्यादा ब्रॉडवे वाले टॉपिक होते हैं, देन हम उसके बाद उनको फोकस करें, है ना, ताकि अगर कुछ प्रमुखता वाले क्वेश्चन है तो वो हमसे मिस ना हो, वो हमसे ना छूटे। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट के साथ अब आपके साथ हूं। तो बच्चों, सबसे पहले बुड्स अभिक्रिया मैंने आपके सामने लिया हुआ है। बुड्स अभिक्रिया या कोई भी अभिक्रिया जब बच्चों हम प्रारंभ करेंगे, तो अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए अभिक्रिया में दो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, तीन, और उनमें सबसे पहली महत्वपूर्ण चीज होती है बच्चों, और वो होता है अभिकारक। कि अभिक्रिया में हम अभिकारक क्या लेने वाले हैं बच्चों, दूसरा महत्वपूर्ण चीज वो होता है उत्प्रेरक, और तीसरा महत्वपूर्ण होता है उत्पादक। बच्चों, अगर ये तीनों चीज आप याद रखने में कामयाब हो जाते हैं और आप सरलता से याद रख सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप अभिक्रिया कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे या अभिक्रिया कभी आपको याद नहीं होगी। बच्चों, बहुत अच्छी तरह से याद रखिए कि वुड्स अभिक्रिया में हम अभिकारक के रूप में, वुड्स अभिक्रिया में हम अभिकारक के रूप में सबसे पहले लेते हैं क्या बच्चों, एल्किल हैलाइड। हम एल्किल हैलाइड का प्रयोग करते हैं बच्चों, ठीक है, एल्किल हैलाइड का प्रयोग करेंगे बच्चों। एल्किल हैलाइड के अलावा हमको यहां पर सोडियम धातु, ठीक है, सोडियम धातु की आवश्यकता होगी। उत्प्रेरक के रूप में बच्चों हम यहां पर लेंगे शुष्क ईथर, ठीक है, यह उत्प्रेरक का काम करेगा। जबकि उत्पादक के रूप में बच्चों, उत्पादक के रूप में हम यहां पर उच्च द्रव्यमान का हाइड्रोकार्बन बना पाएंगे या का निर्माण कर पाएंगे, ठीक है बच्चों, उच्च द्रव्यमान के हाइड्रोकार्बन का निर्माण कर पाएंगे। यानी यहां पर हम हाइड्रोकार्बन बनाएंगे, और वो भी कैसा बनाएंगे, जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, उच्च द्रव्यमान का होगा। तो ये वुड्स अभिक्रिया के संदर्भ में एक छोटी सी जानकारी है। चलिए देखते हैं वुड्स अभिक्रिया को थोड़ा सा डिटेल में। तो बच्चों, वुड्स अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण आपके सामने ले रहा हूं। मैंने ले लिया C2H5Cl, सोडियम धातु से मुझे क्रिया करानी है, तो मैं दो सोडियम ले लेता हूं बच्चों, और दो एल्किल हैलाइड के मॉलिक्यूल ले लेता हूं C2H5Cl। बच्चों, जैसा कि मैंने बताया, यह अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगी, तो एरो के ऊपर मैं शुष्क ईथर लिख दूंगा। अभिक्रिया के पद में सबसे पहले क्या होगा बच्चों, तो ये सीएल वाले जो भाग हैं, ठीक है, दोनों ये सीएल वाले जो पद हैं, ये सोडियम से रिएक्ट करेंगे, दो सोडियम है तो एक इससे करेगा और एक इससे करेगा, और सबसे पहले अभिक्रिया में बच्चों 2NaCl सोडियम क्लोराइड का निर्माण हो जाएगा। इसके उपरांत बच्चों ये C2H5 वाला पद इस C2H5 वाले पद से एसोसिएट हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और अभिक्रिया में C2H5 इसका मतलब है C4H10 का जो निर्माण है
वो हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये जो C2H5 बॉन्ड C2H5 या C4H10 जो बना, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं ब्यूटेन। बच्चों ये जो ब्यूटेन है ये उच्च द्रव्यमान का हाइड्रोकार्बन है। तो आप बहुत अच्छी तरह से समझिए, इस पद का प्रयोग करके हमने क्या किया बच्चों, एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु से अभिकृत करके हमने उसको किसमें बदल दिया, उच्च द्रव्यमान के हाइड्रोकार्बन में बदल दिया। यह कहलाती है बुड्स अभिक्रिया। बच्चों इसके बाद फिटिंग अभिक्रिया के बारे में भी आपसे बात करूंगा, तो जल्दी से फिटिंग अभिक्रिया देखते हैं। ध्यान दीजिए, फिटिंग अभिक्रिया, बच्चों फिटिंग अभिक्रिया में क्या होगा बहुत अच्छे से समझिए। फिटिंग अभिक्रिया में हम यहां पे कोई हेलो एल्केन लेंगे, जैसे कि बेंजीन रिंग के साथ अगर आप सीएल जोड़ दें तो आप इसको बोलेंगे क्लोरोबेंजीन। इसकी अभिक्रिया भी आपको सोडियम धातु के साथ करानी है। ठीक है बच्चों, और दो मॉलिक्यूल ले लीजिए क्लोरोबेंजीन के इस तरह से। ठीक है बच्चों, फाइनली यहां पर भी आप शुष्क ईथर का ही प्रयोग करेंगे एज अ उत्प्रेरक। फाइनली क्या होगा बच्चों, अभिक्रिया में ये दोनों हेलोजन परमाणु क्लोरीन के सोडियम से रिएक्ट करेंगे, एक क्लोरीन से एक सोडियम, दूसरे क्लोरीन से दूसरा सोडियम। और इस तरह बच्चों सबसे पहले अभिक्रिया में 2NaCl सोडियम क्लोराइड निर्मित हो जाएगा। इसके उपरांत ये वाला C6H5 वाला पद ये वाले C6H5 वाले पद से जुड़ जाएगा बच्चों, और आपको डाइफेनल नाम का एक कंपाउंड जो है वो कुछ इस तरह से प्राप्त हो जाएगा। ये जो कंपाउंड है बच्चों इसको हम कहते हैं डाइफेनल। तो बच्चों बहुत अच्छी तरह से याद रखिए, बुड्स फिटिंग अभिक्रिया में हम अभिकारक के रूप में क्लोरोबेंजीन का यूज करेंगे, जिसकी क्रिया किससे होगी, सोडियम धातु से, जबकि उत्प्रेरक हमने कोई चेंज नहीं किया, लेकिन उत्पादक बदल गया हमारा। उत्पादक क्या है बच्चों, डाइफेनल है। यह कहलाती है फिटिंग अभिक्रिया। बच्चों इसके अलावा मैंने आपके साथ शेयर की थी बुड्स फिटिंग, तो ध्यान दीजिए यहां पर दोनों अभिक्रिया एक साथ है, वुड्स और साथ में क्या भी है बच्चों, फिटिंग। ठीक है, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। तो बच्चों इस अभिक्रिया में क्या होने वाला है, इस अभिक्रिया में हम दोनों ही अभिक्रियाओं को एक साथ समझने की कोशिश करने वाले हैं। यानी यहां पर एक भाग वुड्स का होगा और एक भाग फिटिंग का होगा, इसलिए अभिक्रिया संयुक्त रूप से होगी, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया के नाम से। समझिए कैसे बच्चों, यहां पर हम क्या करेंगे, एल्किल हैलाइड C2H5Cl ट्वाइस मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम से रिएक्ट कराएंगे और एक ले लेंगे क्लोरोबेंजीन। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पद है ये वुड्स अभिक्रिया का है, जबकि दूसरा वाला जो पद है ये फिटिंग अभिक्रिया का है। सोडियम दोनों में कॉमन लिया गया है। बच्चों क्या होगा, ये बोथ हेलोजन के परमाणु सोडियम के एक एक मॉलिक्यूल से क्रिया करेंगे और सबसे पहले अभिक्रिया में 2NaCl निर्मित हो जाएगा। बच्चों यहां पर भी आपको याद रखना है, उत्प्रेरक के रूप में आप शुष्क ईथर का ही प्रयोग करेंगे। इसके अतिरिक्त ये C2H5 वाला जो पद है बच्चों ये फेनिल के साथ जाके जुड़ जाएगा और वो कुछ इस तरह से आपको देखने को प्राप्त होगा C2H5। ओके बच्चों, इस कंपाउंड को हम बोलेंगे एथिल फेनिल। ठीक है, ये जो कंपाउंड बच्चों बना, ठीक है ये जो कंपाउंड बना बच्चों, ये कंपाउंड किस अभिक्रिया के द्वारा बना, ये बना हुआ है बुड्स फिटिंग अभिक्रिया के द्वारा। तो बच्चों आज की क्लास में मैंने आपको तीन अलग अलग नाम अभिक्रियाओं के संदर्भ में जानकारी दी और ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं। बच्चों ऐसी ही कुछ और अभिक्रियाओं के साथ आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।